अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको ये बताना है कि हाउ टू प्रिपेयर 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, दिए गए HCl मॉड्यूल को कुछ भी तौर पे आपने क्या करना है, स्टैंडर्डाइज करना है, यानी उसकी आपने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखें NaOH का यानी NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक मोल क्या होगा, यानी वन मोल उसका किसके इक्वल होगा, वो हमने बात की है कि आप सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखें जिसका आपने सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने सॉल्यूशन बनाना है कितना, 0.1, ठीक है। तो अब इसमें मौजूद जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मैसेस को हमने क्या करना है, जमा करना है। अब 23 क्या है, सोडियम का है, ऑक्सीजन का कितना है, 16 है, हाइड्रोजन का क्या है, 12। इनको जब आप जमा करते हैं तो क्या आता है, 40 ग्राम आता है। तो इसका मतलब क्या है कि NaOH के 40 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaOH, ठीक है। अब हमने अपना जो सॉल्यूशन है वो 1 मोलर नहीं बनाना, कितना बनाना है, 0.1 मोलर। तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था कि सॉल्यूट इन ग्राम कितना चाहिए आपको, वो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड मोलैरिटी, जितनी मोलैरिटी का चाहिए मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, जिस आपने सब्सटेंस का बनाना है मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड वॉल्यूम एंड डिवाइडेड बाय 1000। कितना है 1000, हम क्यों लेते हैं, क्योंकि एक लीटर में हमने मोलर सॉल्यूशन बनाना होता है, तो एक लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। तो हमने वॉल्यूम अपना उसके हिसाब से फिर डिवाइड करना है, यानी सॉल्यूट हमारे पास कितना है, NaOH कौन सा है, NaOH, तो इसकी मोलैरिटी हमें कितनी चाहिए, 0.1। इसका मोलर मास हम निकाल चुके हैं 40, रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना चाहिए, 1000 मिलीलीटर है, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 40 को हम 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 ग्राम आता है, ठीक है ना। तो 4 ग्राम हम ले लेंगे 1 लीटर सॉल्वेंट में, 40 ग्राम NaOH हम ले लेंगे 1 लीटर सॉल्वेंट में यानी वाटर में, और हमारे पास वो सॉल्यूशन बन जाएगा 0.1 मोलैरिटी का, 0.1 मोलैरिटी का, ठीक है, 0.1, ठीक है जी। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड ये पड़ा है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की बॉटल पड़ी होती है केमिस्ट्री लैब में, ये मैंने आपको सिंथ क्लास में भी बताया था। तो ये हमारे पास डिजिटल बैलेंस है, इसको ऑन करेंगे और इसके ऊपर हम एक पेज रखेंगे ताकि जिसकी मदद से हम इसको शिफ्ट कर सकें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। इसको आप ऊपर रखेंगे और फिर इसको टेयर करके क्या करेंगे, जीरो करेंगे, क्या करेंगे, जीरो हमने कर दिया इसको। अब फॉर्मूले के मुताबिक कितने ग्राम लेंगे, 4 ग्राम लेंगे, तो हम एग्जैक्ट वे करेंगे 4 ग्राम, ये 4 ग्राम हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है।